हिंगनघाट रोड के भाखरा नाला पे पानी के भारी जलस्तर से अमे लिहितकर उम्र 24 साल पिंपल गांव का युवक अपने दोपहिया वाहन के साथ बह गया तो दूसरा एक व्यक्ति वाघोली शिवार से बह गया था, उसको तहसीलदार सतीश मासाल के पथक ने बचा लिया। बीती रात से शहर और तालुके में भारी वर्षा हुई है, इसके रहते नदी नाले उफान पर है। तब शहर के पिंपड़गांव शिवार में अमय लिहितकर उम्र 24 साल अपने मूल गांव पिपलगांव से हिंगनघाट आते वक्त नाले के भारी बहाव के कारण अपने दुपहिया वाहन के साथ बह गया। तो वहीं दूसरी घटना तालुका के वाघोली शिवार में एक व्यक्ति बन गया। दरअसल उसे तहसीलदार सतीश मासाड़ के और ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया। आपको बता दें कि पीपलगांव शिवार के प्रस्तावित लेआउट भारी बारिश के कारण जलमग्न हो गए हैं। शहरा तालुक्यात मुसळधार पावसाने सुरुवात केली आहे। या मुसळधार पावसात नाल्या आणखी नद्या ज्या आहे उतुंग भरून वाहत आहे। अशातच आज पिंपळगाव शिवारामध्ये एक नाल्यावरून एक युवक वाहून गेल्याची घटना प्राप्त झाली आहे। तसेच हिंगणघाट तालुक्यातील वाघोली शिवारात सुद्धा एक युवक वाहून गेल्याची घटना झाली आहे। प्रशासनाकडून त्याचे शोधकार्य सुरू आहे। आपण पाहू शकता दृश्यांमध्ये की कशा प्रकारे जे आहे नाला कशा प्रकारे वाहत आहे। इथे पोलीस बंदोबस्त सुद्धा यावेळेस प्रशासनाकडून तगडा करण्यात आला आहे। पोलीस प्रशासन सुद्धा सतर्कतेचे इशारे देत आहे। एकूणच हिंगणघाट शहरात जे आहे पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे नाल्यांना आणि नद्यांना। हिंगणघाट से कॅमेरामन योगेश लखोटे के साथ रवी येनोरकर की रिपोर्ट।